नमस्ते भाइयों और बहनों, एबिलिंपिक्स एसेस ऑफ एबिलिंपिक्स के एक और एपिसोड में, एक और प्रकरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब कुपित काल धीरता त्याग जलता है, किंगारी बन फूलों पे पराग जलता है, सौंदर्य बोध बन नहीं आग जलता है, ऊंचा उठकर कर्मठ राग जलता है। ये कुछ पंक्तियां हैं जो दिनकर ने, हमारे राष्ट्र कवि ने बताई थी कि कैसे आपके परिश्रम से, कैसे आपके मेहनत से किसी भी विपरीत परिस्थिति को बदला जा सकता है। और आज हमारे साथ एसेस ऑफ एबिलिंपिक्स की जो कन्या है, एसेस ऑफ एबिलिंपिक्स की जो महारथी है, भाग्यश्री, उनकी कहानी शायद दिनकर जी की लाइनों में, उनकी चंद पंक्तियों में पूर्णतया समर्पित होती है। तो आज हमारे साथ है भाग्यश्री, जो पुणे की निवासी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद उनके और उनके परिवार ने उनका सदैव साथ दिया, प्रयास किया कि वो लड़ती रहें और जीतती रहें। और उसका आज ये प्रभाव है कि भाग्यश्री इंटरनेशनल एबिलिंपिक्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए दिन रात, सुबह शाम, हर पल हर वक्त परिश्रम कर रही हैं। उनके साथ हैं उनकी बहन स्मिता विजय वत्सल, और हमारे साथ जुड़ी है प्रियंका गायकवाड़, जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं और जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम को, हमारे इस पूरे वार्तालाप को आप तक सीधी पहुंचा रही हैं। तो भाग्यश्री जी, स्मिता जी और प्रियंका जी, नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है एसेस ऑफ एबिलिंपिक्स में। थैंक यू सर। तो स्मिता जी और भाग्यश्री जी, बताइए कि भाग्यश्री का जन्म कहाँ हुआ, उनके, आप लोग के माता पिता के बारे में बताइए और भाग्यश्री की दिव्यांगता के बारे में बताइए। मेरे मम्मी का नाम रुक्मिणी कन्ना है और पापा का दशरथ कन्ना, जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अभी माँ तो मीडिया बनाती थी, थोड़े हम मिडिल क्लास की फैमिली में है। भाग्यश्री जब 2 साल की थी तब उसके बर्थडे के दिन सीढ़ियों से गिर पड़ी, उसके बाद हॉस्पिटल में लेके गए। 3 वीक तक वो हॉस्पिटल में थी, ट्रीटमेंट चल रहा था। बाद में घर पे लाने के बाद उसे मम्मी ने आवाज वगैरह दिया था तो सुनाई नहीं दिया उसे। फिर से हॉस्पिटल लेके गए, थोड़ा ट्रीटमेंट चालू किया। वहां पे डॉक्टर मानके मैडम से मुलाकात हुई, उन्होंने उसकी पूरी ट्रीटमेंट की, मशीन वगैरह लाके दिया। बाद में वहां से शुरुआत हुई कि उसकी सुनाई नहीं देता, बोलने को भी नहीं आ रहा, उस टाइम से चालू हो गया। मतलब बाद में रेड क्रॉस में स्कूल में ज्वाइन किया उसे, वहां तक, वहां 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ी। उसके बाद मॉडर्न में 8, 9, 10 तक पढ़ी मॉडर्न स्कूल में। उसके बाद अभिनव स्कूल में फाउंडेशन का कोर्स किया। अभी वो लेटेस्ट डीपेड का, लास्ट ईयर डीपेड का कोर्स हुआ उसका पूरा, और इस साल वो एम, मतलब आर्ट मास्टरी। क्या बात है, आर्ट मास्टर, बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है। जहां से फर्स्ट क्लास भी मिला है सर। अरे क्या बात है, बहुत बहुत उत्तम उत्तम। भाग्यश्री जी, बहुत 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 बढ़िया काम आप कर रही हैं। तो एक चीज बताइए कि आपको ये एसेस ऑफ एबिलिंपिक्स के बारे में कैसे पता चला, एबिलिंपिक्स के बारे में कैसे पता चला, और रशिया के लिए क्या तैयारियां कर रही हैं, क्या जद्दोजहद
में आप और आपका परिवार लगा हुआ है, इसके बारे में बताएं। रेड क्रॉस में जब वो स्कूल में थी तभी से बाल कल्याण संस्थे से जुड़े थे हम। वहां पे सुलभा मैडम, पाटिल मैडम और विशाल सर से मुलाकात हुई। उन्होंने इसका हुनर देखकर उसे मोटिवेट किया और हमारे पापा मम्मी को भी थोड़ा बताया उस बारे में। तो वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। बाद में ड्रेस वगैरह डिजाइनिंग कोर्स लगाए, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, टाइपिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस उसने स्कूल के बाद चालू ही रखा था। अभी वो हड़पसर स्कूल, सुदृढ़ मंडल के हड़पसर स्कूल में पढ़ाती है दिव्यांग बच्चों को भी। क्या बात है, क्या बात है, एक दिव्यांग आज शिक्षक बन गया है जो पूरी समाज में परिवर्तन ला रहा है, बहुत बहुत बढ़िया चीज। तो स्कूल के टाइम में भी उसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द अवार्ड मिला था। क्या बात। जब मॉडर्न स्कूल में थी तब उसका एक पेंटिंग मलेशिया भेजा गया, वहां उसे गोल्ड मेडल मिला उसमें। क्या बात। और 2013 में बाद में गोल्ड मिला ड्राइंग के लिए, अबे ओलंपिक में। उसके बाद 2014 चंडीगढ़ में ब्रांज मेडल ड्राइंग में मिला। 2019 में फिर ये फैशन डिजाइनिंग में ब्रांज मिला, बाद में सिल्वर मिला अबे ओलंपिक में। ये सब पूरा तब से हम नाई से और अबे ओलंपिक से जुड़े। क्या बात है। तो मतलब माता सरस्वती की कृपा सीधे सीधे भाग्यश्री के भाग्य में, उनके हाथों में और उनके मस्तिष्क में है। बहुत बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। तो एक चीज बताइए स्मिता जी कि अभी हम देखते हैं कि ये कोरोना हो गया है, कोविड हो गया है, उसकी वजह से दिव्यांग छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो हताश हो जाते हैं, इतनी सारी चैलेंजेस से टूट जाते हैं। तो भाग्यश्री ये आप बताइए और प्रियंका जी आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, कुछ मैसेज जो आप ऐसे हताश, जो ऐसे डिप्रेस बच्चों और उनके माँ बाप को देना चाहती हैं। आपने, आपकी जिंदगी आसान नहीं थी, आपकी जिंदगी सरल नहीं थी, लेकिन आपने जीत के दिखा दिया कि अगर हार नहीं मानो तो जीत निश्चय ही संभव है। तो कुछ 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 शब्द, कुछ कुछ अपने वाक्य आप बताना चाहेंगी। प्रियंका जी आप अगर इसमें मदद करेंगी हमारी तो बड़ा बड़ा अच्छा होगा। जी सर, कर लेती हूँ जी। बताइए भाग्यश्री जी। जो भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है तो वो आप खुद हम लोग डिसाइड कर ले तो अच्छा है, ताकि हम लोगों का एनालिसिस होता है, जो हम लोग सीख रहे हैं उसको रट रट के पढ़ना चाहिए, ताकि हम लाइफ लॉन्ग वो याद रख सके। जैसे मैं आज टीचर हूँ तो दूसरे भी लोग ऐसा अपना फील्ड चूज करे, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ टीचर ही बनना है, दूसरा जिस अपनी रुचि है तो वहां पे ज्यादा ज्यादा मतलब ध्यान दे के वहां पे सीखना चाहिए। अपने लाइफ का गोल सेट कीजिए, फैमिली को सपोर्ट कीजिए, जो बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसको ध्यान से पढ़िए, और जिस जगह आप लोग एडमिशन ले रहे हो या कुछ भी हो वहां पे पूरी मेहनत से, पूरी लगन से पढ़िए। कुछ भी हो जाए हार माननी नहीं चाहिए, और जो भी ट्रेनिंग है, जो भी जो कुछ भी है सीखना है, दिल से सीखिए, वो लाइफ टाइम हमारे ध्यान में रहता है। ये एक बड़ी छोटी सी और बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपने बताई भाग्यश्री जी और प्रियंका जी। कुछ ऐसा सीखो कि जिंदगी भर वो तुम्हारे साथ रहे, कुछ भी करो ऐसा करो कि वो हिस्ट्री में, इतिहास में छप जाए। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ भी ऐसा सीखो कि आपके दिमाग में बैठ जाए, जब उस चीज की जरूरत पड़े, जब उस ज्ञान की जरूरत पड़े तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए। हस्बैंड जो मनोहर नडमेटला है उन्हें भी वर्ल्ड मेडल मिला है अबे ओलंपिक में, वेस्टेज ऑफ यूजेस में, बहुत अच्छे उन्होंने प्रेजेंट किया था।
क्या बात है, क्या बात है, पूरे इसने, पूरे इसने जो ड्रेस पहना है उस पर एम्ब्रॉयडरी भी उसी ने खुद किया है और स्टिच भी, हम दोनों का ड्रेस। क्या तो हम प्रैक्टिस चालू है हमारा पूरा, बहुत तैयारी कर रहे हैं बहुत दिनों से। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि भाग्यश्री और भाग्यश्री के जो 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 हस्बैंड हैं, उनके जो उनके जो उनके जो बेटर हाफ हैं, वो दोनों मिल करके भारत का नाम जरूरी रोशन करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद भाग्यश्री जी, धन्यवाद स्मिता, धन्यवाद प्रियंका जी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें नाई को और सार्थक को, बाल कल्याण संस्थान सबको, थैंक यू सर। आप सबके लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हों और आप लोग इसी तरीके से सदैव लोगों में एक प्रगतिशील भावना प्रज्वलित करते रहें, यही मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।